सुनने का भी मन नहीं करता है। ऐसा देखा स्थिति, पूरा जिधर भी नजर डालता आदमी कटा हुआ आदमी दिख रहा है। मैं बांस गया है, ऐसा भगवान का शुक्रिया है सर, मेरा बगल का आदमी सब मर गया। एक शव के पांच पांच दावेदार, तो कहीं लावारिस पड़ी लाश, ऐसे कैसे होगी अपनों की पहचान। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे में कई परिवार खत्म हो गए। इस दर्दनाक रेल हादसे के बाद कोई पिता अपने बेटे को तलाश रहा है, तो कोई बेटा अपने पिता को, यानी कि हर कोई अपनों की तलाश में जुटा हुआ है। वहीं जिस जगह पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, वहां एक अलग सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ी एक और परेशानी खड़ी हो गई है, और वो है अपनों की पहचान की। दरअसल एक एक शव के पांच पांच लोग दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे वक्त में लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश के लिए डीएनए का सहारा तक ले रहे हैं। दरअसल रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हुई है, इसमें 205 शवों की अभी तक पहचान होने की खबर है, जबकि बचे हुए शवों की पहचान होना अभी बाकी है। इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं मोहम्मद इनाम नाम के शख्स ने बताया कि उनके भतीजों का और उनके भाई की ट्रेन हादसे में मौत हो गई थी, इसलिए उनके शव लेने आए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों से यहां घूम रहे हैं। भाई और 2 भतीजे इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिनकी मौत हो चुकी है, और एम्स में एक भतीजे की बॉडी तो मिल गई है, लेकिन भाई और दूसरे भतीजे की तलाश अभी जारी है। मोहम्मद इनाम उल हक के मुताबिक डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि डीएनए सैंपल देना होगा, और जिसका भी डीएनए मैच होगा उसी को बॉडी दी जाएगी। मोहम्मद इनाम के मुताबिक उन्होंने अपने भतीजे की पहचान तो कर ली है, लेकिन 5 और दावेदार हैं जो बोल रहे हैं कि ये उनका रिश्तेदार है, इसलिए उसकी बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामले लगातार उड़ीसा रेल हादसे के बाद सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भी मुश्किल बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है कि डीएनए जांच के बाद ही परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। आपको बता दें, रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। आपको याद ही होगा, 2 जून को बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। हादसा इतना दर्दनाक था और भयानक था कि इस हादसे में 288 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे को भारत के इतिहास में हुए रेल हादसों में से एक माना भी जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।